नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर जौनपुर से। वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बक्सा थाना क्षेत्र के कुल्हना मऊ के पास बुधवार की देर रात तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बोलेरो चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बदलापुर थाना क्षेत्र के कठारे गांव निवासी 26 वर्षीय शुभम सिंह कस्बा निवासी अपने मित्र अनुराग गुप्ता के साथ किसी कार से जिला मुख्यालय जा रहा था। कुल्हना मऊ गांव के पास अनियंत्रित होकर बोलेरो डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। सवार दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी ने थाने पर सूचना दी। थानाध्यक्ष अमरायू के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने शुभम सिंह को देखते ही मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रात में ही मृत व घायल युवक के रोते बिलखते परिजन अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। गुरुवार की सुबह थाने में आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुमित यार, इसमें एक्सीडेंट इतना मात्र